नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं श्रवण घर की खरी खरी, जिसमें रोजाना के मुद्दों से बात को उठाकर हम एक बड़ी तस्वीर अपने दर्शकों के सामने रखने की कोशिश करते हैं। श्रवण गर्ग अपनी बेलाग बेखौफ खरी खरी के लिए मशहूर हैं। आज फिर उनसे पूछते हैं कि दरअसल आने वाला जो चुनाव है, ये 2 महीने, ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्यों इस तरीके की बातें की जाती हैं कि 2024 का चुनाव भारत के इतिहास में, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में वॉटरशेड मोमेंट हो सकता है, बहुत ही निर्णायक क्षण हो सकता है। श्रवण जी, आपका स्वागत है। क्यों आप इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ कहते हैं कि आने वाले 2 महीने जो चुनाव के हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के लिए आर या पार की बात है, या करो या मरो की बात क्यों कहते हैं? देखिए, इसको पूरे लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा कि ये 2 महीने दिन, इन 2 महीनों का संबंध दुनिया से कैसे है और इन 2 महीनों का संबंध नरेंद्र मोदी की विश्वव्यापी आकांक्षाओं से कैसे, वैश्विक आकांक्षाओं के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी अब बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, बड़े पिक्चर में चले गए हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक हो गई हैं। तो इन 2 महीनों को आगे के 8 महीनों के साथ जोड़कर देखना पड़ेगा। हमारे दर्शकों को या हमारी जनता को या हमारे पाठकों को एजुकेट नहीं किया जा रहा है कि 2024 का साल भारत और दुनिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस साल 64 देशों में, दुनिया के 64 देशों में 64 कंट्रीज चुनाव होने जा रहे हैं और इन 64 देशों में ताइवान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के चुनाव ऑलरेडी हो चुके हैं और हमने देखा है कि ताइवान को लेकर चीन ने किस तरह से बिहेव किया, पाकिस्तान में इमरान खान के साथ क्या हुआ, डेमोक्रेसी के साथ क्या हुआ और बांग्लादेश में विपक्ष के साथ क्या हुआ। इन 64 देशों में दुनिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन इन्वॉल्व होने वाली है पर दुनिया की नजरें इस समय केवल 3 राष्ट्रों पर है, वो है भारत, अमेरिका और रूस। रूस का इलेक्शन बायगॉन रिजल्ट है, पुतिन का जीत कर आना बिल्कुल सुनिश्चित है, नेवेलनी की जिस तरह से मौत हुई है वहां। सबसे बड़ी चिंता दुनिया में और यूरोप में खास करके और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में है भारत और अमेरिका को लेकर। ब्रिटेन का भी चुनाव इस दौरान, दिक्कत यह है कि अगर ट्रंप जिस तरह से यूरोप को उन्होंने धमकाया है कि आपने नाटो को अपना सब्सक्रिप्शन नहीं दिया तो मैं आपको पुतिन की गोद में डाल दूंगा, नाटो ट्रंप और पुतिन की जो दोस्ती है उसको लेकर अमेरिकी जनता, अमेरिकी विपक्ष, डेमोक्रेटिक पार्टी और यूरोप पूरा नाटो डरा हुआ है। ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती, उनकी महत्वाकांक्षाएं किसी से छुपी हुई नहीं है। हम लोगों ने जो, मैं कह रहा हूं कि ये जो 2 महीने हैं ये क्यों महत्वपूर्ण है और चिंता का विषय क्या होना चाहिए, चिंता का विषय 30 लाख लोगों को या 10 लाख लोगों का रोजगार होना चाहिए क्या, या जो स्टाइपेंड देना चाहते हैं राहुल गांधी वो होना चाहिए क्या, या चिकित्सा फैसिलिटी देना चाहते हैं वो होना चाहिए क्या। राहुल गांधी का और विपक्ष का फोकस इन चीजों के साथ किस बात पर जरूरी है और वो क्यों नहीं प्रकट हो रहा है। मैं जो 2 महीने आगे के जिस चिंता पर मुझे लगता है कि पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े हैं जी, पर क्या जो दाव पर है या स्टेक पर है वो है देश का प्रजातंत्र, देश की डेमोक्रेसी। और अगर डेमोक्रेसी ही नहीं बचती है, डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है,
तो फिर आप क्या करेंगे? क्या लोगों को पता है कि डेमोक्रेसी के नहीं होने के मतलब क्या है? ये जो जनरेशन है आज की, उसको नहीं पता, हमको पता है, क्योंकि 50 साल पहले हमने देखा है डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। लोगों को पता नहीं है कि पेगासस क्या होता है, लोगों के की जिंदगी में किस तरह से जासूसी की जा सकती है और कर रही है सरकार जी। क्या हमारे डिस्कशंस में, हमारी बातचीत में, हमारे मीडिया में, हमारे नैरेटिव्स में जो गढ़े जा रहे हैं पॉलिटिकली, राहुल गांधी के भाषणों में, विपक्ष के भाषणों में, क्या इस बात पर आपने देखा आशुतोष जी चिंता व्यक्त की जा रही हो? राहुल गांधी युवाओं को एजुकेट कर रहे हो कि आपके रोजगार के साथ, आपके पेपर लीक के साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा जुड़ा हुआ है उसका नाम है डेमोक्रेसी, और वो उस डेमोक्रेसी के प्रति या लोकतंत्र के प्रति या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के प्रति इस सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत खराब है। तो उसके बारे में अगर आप जब तक लोगों को डराएंगे नहीं, सचेत नहीं करेंगे कि आप वोट देने जो जा रहे हैं वो पेपर लीक के लिए मेरे एश्योरेंस, बेरोजगारी पर मेरे एश्योरेंस, 1,00,000 रुपए के एंटरप्रेन्योरशिप के स्टाइपेंड के लिए नहीं, आप इसलिए देने जा रहे हैं विपक्ष को वोट कि आपको डेमोक्रेसी चाहिए इस देश में, जो कि फंडामेंटल है। और यूरोप में और अमेरिका में जो डर है इस समय वो महंगाई को लेकर नहीं है, बेरोजगारी को लेकर नहीं है, वो ये कि ट्रंप अगर आ जाते हैं और वो मोदी और पुतिन मिलकर दुनिया को चलाते हैं तो वो दुनिया किस तरह की बनने वाली है, उस दुनिया का नक्शा किस तरह का होना होगा। मोदी जी अपनी तरफ से गैस के सिलेंडर पर आज 100 रुपए उन्होंने कम कर दिए, वो मतदाताओं की गरीबी को सब्सिडी पर खरीद रहे हैं, सब्सिडी देकर खरीद रहे हैं। लोगों को महसूस नहीं होने देना चाहते हैं कि आप गरीब हैं, भूखे हैं, वो मुफ्त का अनाज भी देंगे आपको, गैस भी देंगे, वो डेमोक्रेसी के लिए कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। हमको भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में डेमोक्रेसी पर एश्योरेंस चाहिए और वो एश्योरेंस वो देने को तैयार नहीं है। आशुतोष जी, राहुल गांधी बहुत बड़ी उम्मीद है इस समय देश की, और वो जिस यात्रा पर निकले हैं वो मेरा ऐसा मानना है कि उसका परिणाम ये निकलना चाहिए कि देश में डेमोक्रेसी की वापसी हुई है, क्योंकि देश उनकी तीसरी यात्रा तक धैर्य खत्म कर देगा, और राहुल और मोदी अगर सत्ता में आ गए तो राहुल गांधी को तीसरी यात्रा नहीं करने देंगे। तो इसलिए जो मैंने आपसे कहा था कि अगले 2 महीने क्यों इम्पोर्टेंट हैं, 8 महीने क्यों दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये 64 देशों का भविष्य अमेरिका, रूस और भारत के में क्या स्थिति बनती है उस पर टिका हुआ है, अमेरिका में किसकी हुकूमत आती है उस पर नाटो देशों का भविष्य, यूरोप का भविष्य टिका हुआ है। तो मैं जो चिंता व्यक्त कर रहा हूँ राहुल गांधी से अपेक्षा जो कर रहा हूँ, विपक्ष से जो कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि ये जो युवा हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आपके सामने जमा हो रहे हैं, आप उनके लिए तमाम चीजें बोलिए, पर एक शब्द ये भी बोलिए कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई, मोदी जी फिर से सत्ता में आ गए,
तो देश में लोकतंत्र की वापसी होगी कि नहीं होगी, उनकी सत्ता में वापसी के साथ लोकतंत्र की वापसी होगी कि नहीं, इसकी गारंटी किससे मांगी जाए? मोदी की गारंटी में क्या लोकतंत्र की गारंटी शामिल है कि हमको उनकी गारंटी में एक अधिनायकवादी आहटें पंजाब सुनाई दे रहे, और क्या हम उसके झटके नागरिकों के तौर पर, विपक्ष के तौर पर, युवाओं के तौर पर महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं? बस ये इतना सा मेरा जो 2 महीनों को लेकर या 8 महीनों को लेकर कंसर्न है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। जी बहुत 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 शुक्रिया श्रवण जी, खरी खरी और बिल्कुल तस्वीर लोगों के सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।